बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग ट्रैवल व्लॉग होगा, क्योंकि हम जा रहे हैं सवात और एक हमारी फैमिली है और एक मेरे देवर की फैमिली है। तो अभी हम एबटाबाद से निकले हैं, तो ये देखें एबटाबाद का मौसम कितना प्यारा हो गया है। जैसे ही हम घर से निकले हैं तो साथ में बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो बच्चे तंग हो चुके थे गाड़ी में बैठ बैठ के, तो हम यहाँ पे रुक के, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा पार्क भी था, बच्चों ने खूब इंजॉय किया और हमने खाना वगैरह भी खा लिया। आगे थोड़ा सा ही रास्ता रहता था रेस्ट हाउस में पहुँचने का, तो हमने कहा चलो यहाँ पे खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर जब रेस्ट हाउस में जाएँगे तो फिर थोड़ा आराम कर लेंगे, क्योंकि आज हमारा घूमने फिरने का कोई इरादा नहीं था। तो फाइनली हम रेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। ये सारा रेस्ट हाउस है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत था। तो ये हमारा रूम है। ग्राउंड फ्लोर पे मेरे देवर की फैमिली थी और फर्स्ट फ्लोर में हम थे। तो ये पूरा जो रेस्ट हाउस है ये हमारे लिए ही बुक था, यानी कि इसमें और कोई भी नहीं था, सिर्फ हमारी दो फैमिलीज थी। बिल्कुल घर जैसा माहौल मिला हमें वहाँ। तो सवात में तो वैसे भी बहुत ही मज़ा आता है, इतनी प्यारी और इतने खूबसूरत नज़ारे हैं और हमने खूब इंजॉय किया। तो फर्स्ट डे हमने रेस्ट हाउस में ही गुजारा और अगली सुबह हम मालम जबा के लिए निकल गए।
और मालूम जब बचाते हुए रास्ते में बहुत ही प्यारी प्यारी जगह आती है, जिनमें से एक जगह ये भी है जहाँ पे हम उतरे थे। और छोटा सा पार्क भी है, बच्चों ने खूब इंजॉय किया और हमने मुंह हाथ धोया, पानी में पाँव मारे और बहुत ही ठंडा पानी था, ऐसे लग रहा था कि जैसे मुंह फ्रीज हो गया। और फिर हम जल्दी से निकले और फिर यहाँ पे चाय पी और बच्चों ने झूले वगैरह लिए। फिर थोड़ी देर के बाद हम मालूम जबा के लिए निकल गए। उस तरह मुझे मालूम जबा में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। पिछली दफ़ा जब हम दिसंबर में गए थे तो खूब बर्फ़ पड़ी हुई थी और खूब मज़ा आया। और मालूम जबा में मज़ा भी तब आता है जब बर्फ़ हो, क्योंकि वहाँ और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक मैदान सा है जिस तरह के आप देख सकते हैं, बस इतनी सी जगह है। और अगर बर्फ़ हो तो फिर यह है कि बर्फ़ में बंदा इंजॉय कर लेता है। तो हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही थी जब हम गए थे और पहले से काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई भी थी। मालूम जबा में यहाँ पे चेयर लिफ्ट भी है, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन हम इसमें नहीं बैठे क्योंकि साथ में बच्चे थे। अगर हम बैठते तो बच्चे भी बैठते, लेकिन बच्चे डर रहे थे तो फिर इस वजह से हम भी नहीं बैठे। तो इसके बाद हम वापस चले गए रेस्ट हाउस में, एक दो जगह पे रुके थे, खाना वगैरह खाया, चाय पी। और तो हमारा 3 दिन का स्टे था। इसके बाद हम कहाँ गए ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। तो जल्द ही पार्ट 2 भी आएगा, तो आप लोग ने ज़रूर वॉच करना है। अपनी दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।